हम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि माहौल एक बार उस रास्ते पर जाएंगे तो कहीं ऐसा हो कि वापस आना मुश्किल हो जाए। डिपेंड करता है, मतलब मुझे ये भी लगता है कि आईएएस बनने के लिए आपका पढ़ाकू होने से ज्यादा जरूरी है आपका स्मार्ट होना, पढ़ाई में भी स्मार्ट होना, बातचीत में भी स्मार्ट होना, जीवन के प्रति नजरिया भी स्मार्ट होना। और स्मार्टनेस केवल किताबों से नहीं आएगी, उसके लिए एक साल की आवारागर्दी बहुत जरूरी है ना। मतलब शब्द मैंने कठोर चुन लिया आवारागर्दी, मेरा भाव आप समझ रहे होंगे। जब तक आप दोस्तों के साथ घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, चीखेंगे नहीं, तब तक स्मार्ट नहीं हो पाएंगे। तो पहले साल में अगर आपको उस सब से थोड़ा कम करना हो तो एक काम कीजिए, जो कॉलेज है आपका, डिबेट्स बोलिए, वहां पर खूब मोनो एक्टिंग हो रही है, एक्टिंग कॉम्पिटिशन है उसमें जाइए, मंच पर जाइए खूब, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है उनमें जाइए। ये सारी चीजें कुल मिला के आपको ऐसा व्यक्ति बना देंगे कि आपसे बात करना किसी को भी अच्छा लगेगा। और इंटरव्यू में अल्टीमेटली परीक्षा इसी बात की है, वहां किताबें काम नहीं आती, वहां स्मार्टनेस चाहिए। और एक आध साल तो फिर मिलना भी चाहिए ना, वरना क्या होता कि पढ़ते रहे स्कूल में, फिर पढ़ते रहे कॉलेज में, आईएएस बने और वहां जाके भोंदू बन के खड़े हुए सबके सामने, तो ऐसा भोंदू क्यों बन है ना, लगेगी कोई स्मार्ट इंसान आया तो उसकी बात अलग। ये मोहतरमा कह रही है कि जिसने 3 साल आवारागर्दी में निकाल दिए हो वो क्या करे, कोई बात नहीं। देखो आईएएस की तैयारी कायदे से 1.5 साल का काम है, और ग्रेजुएशन में जो समझता हूं राजस्थान का ट्रेंड, आमतौर पर 17वें साल में लोग ग्रेजुएशन में आ जाते हैं। यानी कि 3 साल अगर आपने ग्रेजुएशन निकाल भी दिए तो आपकी उम्र 20 के आसपास है, और इसका मतलब है कि अभी भी 1 साल पूरा है पहले अटेम्प्ट से पहले, तो 1 साल पहले का और 6 महीने एग्जाम के साथ साथ, तो अभी भी संभव है कि आप 21 की उम्र में ही एग्जाम दे सकें। मैक्सिमम 22 कर लीजिए, क्या दिक्कत है, 22 से शुरू कीजिए एग्जाम देना, और 22 ही तो लिखा है वैसे भी। तो ग्रेजुएशन निकल भी गई तो तनाव नहीं लेना है, जो निकल गया सो निकल गया, अब तो ये है कि जो बचा है उस पर काम करना है। ठीक है जी। हाँ, हिंदी माध्यम से वैकल्पिक विषय अंग्रेजी में चुन लीजिए, अंग्रेजी माध्यम से वैकल्पिक विषय हिंदी में चुन लीजिए, कोई समस्या नहीं। ये 2017 से नियम चेंज हुआ है, पहले ऐसा नहीं था, अब ये सुविधा है जी। नहीं, जैसे आपने आईएएस का प्रीलिम्स निकाला, मेंस निकाला, फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाए तो क्या कर सकते हैं जीवन में, मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो ये है कि आप किसी भी न्यूज पोर्टल पे, किसी वेबसाइट पे, दृष्टि जैसे किसी ग्रुप में काम कर ही सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो ये है। सरकारी में मेरी सलाह ये कि पीसीएस का एग्जाम सबसे अच्छा ऑप्शन है, एक सीएपीएफ का एग्जाम बहुत अच्छा ऑप्शन है, और जो आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं सीएपीएफ वगैरह उसके लिए बहुत मुश्किल, या जैसे एक प्रोविडेंट फंड वाला एग्जाम होता है, ये सब एग्जाम बहुत आसान होते हैं उनके लिए। पर मेरी पहली सलाह है कि पीसीएस साथ में रखिए, ठीक है। एक बैकअप ऑप्शन जरूर लेके चलिए, अगर आप एकेडमिक्स में हैं, एमए एमफिल पीएचडी कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और अगर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं तो पीसीएस का सिलेबस देखते रहिए। आईएएस की तैयारी के बाद किसी भी राज्य का पीसीएस पढ़ने के लिए मैक्सिमम 6 महीने चाहिए आपको, इतना ही चाहिए, क्योंकि तब आपका टेम्परामेंट भी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी आप समझते हैं चीजों को, तो पीसीएस बेस्ट चॉइस है। नहीं तो टीचिंग जैसा कोई एक ऑप्शन साथ में बनाए रखने के लिए एमए जैसी डिग्रीज करके रखिए, कि संकट आए तो फिर वो कर लीजिएगा जी। अब छोड़ दो, अगर आप इसी साल प्रीलिम्स दे रहे हैं तो अब समय आ गया प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज करने का। और प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज एक बुक लिस्ट है जो हम सब बच्चों को देंगे यहां पर भी, उसमें 11-12 हजार प्रश्न है, उनका अभ्यास कीजिए। अब प्रीलिम्स पे फोकस कर लीजिए, क्योंकि अब लगभग 2-3 महीने बचे हैं ना जी। बोलिए। यूपी की धूमधाम से हो सकती है, बिहार की आराम से हो सकती है।